उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में कुतुबखाना एवं पंजाबी मार्केट रोड व्यापारी संघ के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और बताया कि ठेले व फल व सामाजिक तत्वों द्वारा कुतुबखाना पुल के नीचे जमा बड़ा हो जाता है और वह लोग पर धर्मिता दिखाकर दबंगई दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि कुतुबखाना पुल का निर्माण चल रहा है, पुल के नीचे रोड पर ठेले फल की बहुत अधिक मात्रा में भरमार हो जाती है जिससे अतिक्रमण हो रहा है जो कि नियम विरुद्ध है। इन पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है। यह शहर का व्यस्तम बाजार है जिसमें व्यापारियों को असुरक्षा होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपिंदर सिंह है। किस संगठन से? हम लोग कुतुब खाने के व्यापारी हैं सर। क्या मामला, क्या समस्या आ रही है आपके हमसे मिलने? समस्या आज हम अपने कुतुब खाने के जितने भी व्यापारी हैं इसलिए आए हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत अति से ज़्यादा जो है ठेले लगना शुरू हो गए हैं और जो कि बरेली के लोग भी नहीं हैं, कहाँ कहाँ से लोगों को बुलाया गया है ठेले लगवाने के लिए, जिससे कि व्यापारियों को भी बहुत दिक्कत आ रही है, ग्राहकों को भी बहुत दिक्कत आ रही है, लेडीज़ को भी बहुत दिक्कत आ रही है। और कुतुब खाने पे हमारा बहुत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, मरीजों को भी बहुत दिक्कत आ रही है, पुल वालों को भी दिक्कत आ रही है। और जो पुल का कार्य चल रहा है उसके अंदर भी गाड़ियां आने जाने में हर चीज़ में दिक्कत आ गई उनकी वजह से। हम ये चाहते हैं, हम साहब के पास आए हैं, हम ये चाहते हैं कि उनको यहाँ से तत्काल रूप से हटाया जाए जिससे कि हमारे लोगों का व्यापार भी बच सके और लोगों को आने जाने में और किसी भी चीज़ में उनको दिक्कत ना आए। मेरा सुनील कुमार अरोड़ा। क्या आप समस्या आ रही दुकानों की? समस्या साहब जो ये दुकानों का बिल्कुल साहब कारोबार साल भर से तो बिल्कुल चौपट है और इतना ठेला आ गया है बेगिनत बाहर से कहाँ कहाँ से। पहले होते थे 40-50 ठेले, आज कम से कम 1500 ठेला है। किस जगह लग रहा है ये सब? डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से लेके पीछे सब्जी मंडी से लेके कुमार टागी तक जहाँ से पुल जा रहा है, एक नंबर से 18 नंबर तक ठेला ही ठेला है। पहले मंडी के अंदर लगता था फ्रूट का ठेला खाली, थोड़े 15-20 होते थे, अब गिनती नहीं कितने लग रहे हैं और कुमार टागिज में गिनती नहीं कितने लग रहे हैं, पता ही नहीं साहब कितनी गिनती है। क्या हटना चाहिए इनको? क्या भैया हटना ही चाहिए, इन्हें कहीं भी जगह दें, एक आदमी को इकट्ठी के इन लोगों को जगह दें। किससे शिकायत करना है? हम सब DM साहब के हैं अधिकारी।